कसम मत देना। तो फिर बताओ मुझे क्या बात है। दिलीप और फेरे की रस्म के बाद नीता भाभी और सविता बहन ने मुझसे कुछ बात की थी। वो कल जब पूरे समाज को पता चलेगा कि शाह परिवार की संदन किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन का काम करती है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर शाह परिवार की इज्जत रखनी होगी तो गीता तुम्हें ये नौकरी छोड़िए। कल शाह हाउस में पिया की मुंह दिखाई की रस्म, तो मेहरबानी करके वहां मत आ। अब तू बता मैं क्या करती पिया। फिक्र मत कर बेटा, कि जो कुछ भी मैंने तुझे बताया ना पिया, इसका जिक्र भूल के भी किसी से मत करना। हाँ, अरे पिया ही तो ये तो जिंदगी है बेटा। कितनी मुश्किलें आई हैं, आती रही हैं, इन सब का सामना हमने किया है ना, तो बस ये मुश्किल भी निकल जाएगी। क्या पिया मुझे ऐसे ही देखती रहेगी कि कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताएगी? अरे वाह, तू एकदम बड़े घर की बहू जैसी लग रही है। अब तो तुझे मेम साहब कहना पड़ेगा, है ना माँ? अच्छा चल, पापा का आशीर्वाद ले ले, चल। अच्छा कभी रमाकांत भाई के यहाँ क्या करने आए हैं? हाय मिस्टर देसाई। अरे कबीर, अरे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। कैसा है तू? एकदम अच्छा, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ जी। अब बता भाई, कैसे याद किया मिस्टर देसाई को? वो मिस्टर देसाई, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी हो गई है। ए भाई, शादी वादी के बारे में कोई राय मशवरा चाहिए ना, तो एकदम गलत जगह पे आ जाए। अरे नहीं नहीं मिस्टर देसाई, मैं तो बस आपसे। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, जानता हूँ तू यहाँ क्यों आया, लेकिन तू नहीं जानता है कि तेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है मैंने। क्या? कहा? यहाँ मिस्टर देसाई के यहाँ। मतलब देख भाई, बहुत दिनों से मुझे भी तलाश थी ऐसे ही नौजवान जो शरीफ हो, समझदार हो, ईमानदार हो और भरोसेमंद भी हो। मैं तो उससे पहले ही बात करने वाला था, लेकिन जब मालूम पड़ा कि तू इतने बड़े आदमी का बेटा है, हिम्मत ही नहीं। बड़े आदमी तो मेरे पापा हैं मिस्टर देसाई, मैं नहीं। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से भी किसी तरह की हेल्प लूँ फाइनेंशियली, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी करूँगा। बहुत सही कहते हैं, बहुत सही। और देखना, तेरा यही फैसला तुझे एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। थैंक यू। अच्छा ये बात क्लियर कर दो तो अच्छा है, तनख्वाह कितनी लोगे? तनख्वाह मिस्टर देसाई, मैंने कभी काम किया ही नहीं है, तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि कितनी तनख्वाह लेनी चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात। तेरे जैसे और नौजवान पैदा हो जाए ना इस मुल्क में, तो हम जैसे सेठों का तो भला हो जाए। लेकिन चिंता मत कर, मैं वैसा वाला सेठ नहीं हूं जो तो कम पैसे दे के ज्यादा काम करवा दे। Sure. मैं तुझे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करने का 15,000 दूंगा, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो बताइए क्या काम करना है? अभी ऑफ कोर्स, आज से मीटर डाउन हो जाए तो बेटर है ना। मतलब जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या बात है, क्या बात। ठीक है भाई, ये मैं एक 5 लाख का चेक दे रहा हूँ कबीर, ये चेक लेकर सीधा बैंक चले जा और पैसे निकाल के पैसे अपने साथ घर लेके चले जाना। 5 लाख रुपए घर ले जाऊं? हाँ हाँ, 2-3 घंटे के बाद मैं तेरे घर पे आऊंगा और तेरे से पैसे ले लूंगा। ये मत समझना कि पहले ही दिन 5 लाख का जैकपॉट लग गया। अरे नहीं नहीं मिस्टर देसाई। अच्छा ये
बैग लेके जा, पैसे रखने काम आएगी। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चल संभाल के। हाँ जी जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुश हो रही हूँ। वो क्या है ना पिया, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मुझे बाहर कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने सोचा। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि खुश हो रही हो, ये आंसू बह रही हो। एक मिनट प्लीज, ये मत कहना कि ये खुशी के आंसू हैं, किसी बहुत पुराना डायलॉग है। एक पत्नी के लिए अपने पति को जिम्मेदारी संभालते हुए देखना, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कबीर। और जब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो दिल भर जाता है, और जब दिल भरता है ना तो आंखें अपने आप छलक जाती है। मेरी प्यारी पत्नी जी, अगर आप मुझे देखकर यूं ही खुश होती रहेंगी तो मैं काम कैसे करूंगा? पूरा दिन तो आपके आंसू पोंछने में निकल जाएगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। देखो ये चेक है ना, 5,00,000 रुपए का, ये मुझे विड्रॉ करने हैं और बैंक के बंद होने का टाइम बस हो ही गया। तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट कबीर। कबीर क्या कर रहे हो? मस्ती में लोग हैं। तो मेरे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पति होने का भी और इस बस्ती का दमाद होने का। मुझे किसी से क्या डर? अच्छा जी, तो दमाद जी, हमारी बस्ती में दमाद की नाक खींचने का भी रिवाज है। अरे दमाद जी, पिया की बच्ची। क्या कहा गंगा कि कबीर फिर से वो बस्ती की गंदी गलियों में अपने पैर गंदे करने चला गया? नीता भाभी, इसमें कबीर बाबा की कोई गलती नहीं है। अगर महेश भाई खुद उसे काम दे देते ना तो कबीर बाबा को किसी के पास काम मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिया ने उसे उकसाया होगा वहाँ जाकर काम करने के लिए। ना ना सविता बेन, मैंने खुद देखा है कबीर बाबा सामने से देसाई साहब के पास गए काम मांगने। गंगा तुम ना पिया की तरफदारी मत करो, समझी? अब तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो कितनी शातिर है। अरे रात को बंद कमरे में हमारे कबीर को हमारे खिलाफ क्या क्या पट्टी पढ़ाती होगी, हमें क्या मालूम। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए और अब ये सोचिए कि हमें करना क्या है। भाभी जब घाव नासूर बन जाता है तो शरीर के उस अंग को काट के फेंक दिया जाता है। पिया भी कबीर की जिंदगी का नासूर घाव बन गई। इससे पहले कि वो घाव कबीर के शरीर और आत्मा में फैल जाए हमें उसे काट के फेंक देना होगा। और गंगा हाँ? इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत पड़ी। मैं अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। नहीं नहीं सविता बेन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन सविता बेन, आपको लगता है कि ये तरकीब कामयाब हो जाएगी? 100% काम आएगी। और कबीर को एहसास हो जाएगा कि पिया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखो सविता बेन, एक बार फिर से सोच लो, कुछ गड़बड़ हो गई तो।
मैंने सब कुछ सोच लिया, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। चलना बाबा। भाभी आप मेरे साथ हैं ना? हाँ सविता बेटी, मैं आपके साथ हूँ। अपने बेटे को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ला, मैं खोलता हूँ। सॉरी 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 लेकिन इससे मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा हाथ छोड़ने का मन ही नहीं करता मुझे। अब मेरा भी तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अक्षय मेरा मन करता है कि मैं जिंदगी भर यूं ही तुम्हारा हाथ पकड़ा रहा हूँ, लेकिन अक्षय दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, तब तो तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब मैं और वेट नहीं कर सकता आयशा, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। अभी नंबर दो। हे भगवान, मॉम का नंबर कैसे दे सकती हूँ? इसके फोन में तो पहले से ही सेव होगा गंगा मासी के नाम से। दो ना। अक्षय फोन पे बात करने की क्या जरूरत है, जब वो आएंगी तो आमने सामने बात कर लेना। तुम्हारी मॉम इंडिया आ रही है? कब? बस अभी अगले हफ्ते। हाँ। अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितनी अच्छी खबर दी है। इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। कोल्ड ड्रिंक। अगले साल, अगली सेंचुरी, अगले जन्म कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं, अगले हफ्ते ही निकलना था मुंह से। अब कहां से लाऊंगी लंदन रिटर्न मॉम? देख के समझ में नहीं आता है क्या? नहीं आता। बैग दे। ओए बैग छोड़, बैग छोड़, पकड़ इसको, ए पकड़ साले को। अबे तुम लोग गिरा इसको, गिरा छोड़ बैग। छोड़ अबे छोड़ो। कबीर भाई, कबीर भाई कौन है वो लोग? अक्षय पकड़। कबीर भाई आप ठीक हो ना?
क्या हुआ? क्या हुआ? हम आओ बैठो। कबीर, कबीर, तू ठीक तो है ना? पिया बहू पानी ले आओ। बहुत लगा है तुम्हें ये? नहीं बाप। पिया पानी ले आओ। कबीर बेटा ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? ये बेरहमी से मारा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे बच्चे को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैंने उन लोगों का चेहरा देख लिया, ढूंढ निकालूंगा। कबीर भाई लेकिन वो कौन थे और आपको मार क्यों रहे थे? मैं काम करती हूँ, मैं अभी महेश को फोन करके बता दूँ। बाप मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना आप लोग फिक्र मत कीजिए। फिक्र की बात है कबीर, है कबीर, है कबीर। मिस्टर देसाई, फिक्र की बात तो बिल्कुल है। कोई दिन दहाड़े तुम्हारे हाथ से 5 लाख रुपए की बैग छीन कर चला जाता है और तुम कहते हो फिक्र की बात नहीं। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। एक्चुअली मैं आपके भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया। एक्चुअली वो कैसी बात कर रहा है? तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझ पर शक करूंगा? अरे जो लड़का अपने प्यार की खातिर 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ के 200 रुपए की मजदूरी कर सकता है, क्या वो चोरी करे? 5 लाख के लिए अपना ईमान बेच देगा? कबीर, रमाकांत देसाई इतना बेवकूफ नहीं है। थैंक यू मिस्टर देसाई। थैंक यू की क्या बात, गुजराती आदमी हो भाई, हीरे की परख है मुझे। मुझे 5 लाख की बिल्कुल चिंता नहीं, मुझे चिंता तुम्हारी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो। लेकिन वो लोग थे कौन और उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हाँ ऐसा तो तभी हो सकता है ना अगर उन्हें पहले से कहीं पता चल गया हो कि